बंदे पुरुषोत्तम। स्वदेशी आंदोलन का समय था। तरुण अनुकूल उस समय हिमायतपुर के चतुर्दिक ग्रामों में तांडव कीर्तन करने में लगे थे। रात रात भर कीर्तन होता, दिन भर होती तत्वालोचना। संध्या होते ही कीर्तन में योग देने के निमित्त ठाकुर घर से निकल जाते। एक दिन चांदनी रात में इसी प्रकार जा रहे थे। ज्योत्सना शुभ्र रूप को देखने में मन विभोर था। अकस्मात छुरा और पिस्तौल की नली छाती के निकट चमकने लगी। दो तरुण क्रांतिकारी पेड़ की झुरमुट से निकलकर बोले, अपने दल बल के साथ हस्ताक्षर करके हमारे क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होकर मातृमुक्त यज्ञ में योग दो, नहीं तो तुम्हारा सफाया कर दिया जाएगा। कुछ देर तक तो ठाकुर उन मारात्मक अस्त्रों को देखते रहे, किंतु क्रांतिकारियों के कथन के साथ साथ एक विराट अट्टहास की ध्वनि उनके मुख से निकल पड़ी। ऐसे कराल काल के समान अट्टहास से आदमी के कंठ से हो सकता है, इसकी धारणा क्रांतिकारी युवकों में न थी। उस आवाज की प्रतिध्वनि नदी प्रांतर आकाश वाताश गूंजने लगी। मारे भय के उनके हाथ से छुरा और पिस्तौल जमीन पर गिर गया। उसके बाद जलद गंभीर वाणी ठाकुर के मुख से निकली, हमारी पितृभूमि की वाणी है जीवन प्रदायिनी वृद्धि प्रदायिनी, भारतवर्ष अमृतत्व प्राप्ति की मांग करता है। जाति जब तक उस अमृतत्व का पान न करेगी तब तक उसमें नवजीवन न आएगा। हमने अपने जातीय चारित्रिक बल को खो दिया है। हमारी जाति आज मेरुदंड और मस्तिष्कहीन चरित्र भ्रष्ट जाति में परिणत हो गई है। इस मृत प्राय जाति में नव प्राण लाना है, इसके लिए चाहिए चारित्रिक बल। चारित्रिक बल से ही आत्मबल उत्पन्न होगा। चरित्रहीनता का जो कीटाणु हमारी राष्ट्रीय रक्तधारा को विषाक्त बनाती जा रही है, उससे जब तक हम मुक्त न होंगे राष्ट्र जीवित न होगा। मैं उसी जीवन की वाणी अमृतत्व की वाणी को सुनाता हूँ। मेरा दल आर्यावर्त की उसी अमृतवाणी को सुनाने वाला दल है। तुम लोग भी मेरे दल में नाम लिखाओ, अमृत की निर्झरणी में स्नान करने आओ, देश की मुक्ति उसी में है। दोनों क्रांतिकारी अपने दल के सरदार से पूछने का वादा करने चले गए। पेज नंबर 122 पुरुषोत्तम से। जय गुरु।